मतलब मुझे तो बिल्कुल थर्ड क्लास फ्लाइट लगी, नेक्स्ट टाइम मैं कभी इसको बुक नहीं करना चाहूंगा। तो आज एयरपोर्ट पर ना छोटा सा स्कैम होते होते बच गया, हुआ क्या? नाउ वी आर गोइंग, आई एम एक्साइटेड बट शी इज नॉट, कोई नहीं, वी विल कम सून। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो दोस्तों, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज की ट्रिप यहीं खत्म हो रही है। अब हम निकल रहे हैं इंडिया की तरफ। आज हमारी फ्लाइट है मलिंडो एयरवेज, जिसको बोला जाता है बटिक एयरवेज के नाम से, आजकल इसका नाम चेंज वगैरह हो गया है, तो उसी से आज हमारी फ्लाइट है। हम पहले यहाँ से जाएंगे मलेशिया, मलेशिया से इंडिया। सो अराउंड हमें लगने वाले हैं 10 से 12 घंटे कुछ लगने वाले हैं, जिसके अंदर जो फ्लाइट टाइमिंग है वो हमारे होंगे टोटल 7.5 घंटे और बाकी लेओवर टाइम है। तो अभी चलते एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, सुगरनो हाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और बाकी चल के वहाँ जाके आपको सारी अपडेट वगैरह देते हैं कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है जाने के लिए वापस। ठीक है, चलो। तो इस वक्त हम जकार्ता के सुगरनो हाता एयरपोर्ट आ चुके हैं। बाली से हम डायरेक्ट एनी के घर गए थे, वहाँ से हम जकार्ता आ गए। तो उस वक्त हमारा शूट करने का दिल्ली के, क्योंकि उस टाइम ना पूरा फैमिली टाइम था, एनी अपनी फैमिली से मीट कर रही थी, तो इसलिए हमने कुछ शूट नहीं किया। अब हम जकार्ता आ चुके, अब चलते हैं घर की तरफ। तुम्हारी इमिग्रेशन वगैरह भी हो चुकी है। इमिग्रेशन में ना उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई एयर सुविधा फॉर्म है या पीसीआर टेस्ट है, उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट तक चेक नहीं किया। जस्ट मैंने उनको पासपोर्ट दिया और हमें स्टैम्प मिल गया और एनी का उन्होंने वीज़ा वगैरह चेक किया, बस यही हुआ है। अब समय आ गया इंडिया जाने का। एयरपोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, अभी हमारे पास अराउंड 2 आवर्स बचे हुए हैं, तो एयरपोर्ट में देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, और उसके बाद चलेंगे अपना वेटिंग रूम में बैठ के फ्लाइट का वेट करेंगे। ठीक है, एक्साइटेड? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी ना सैड फील कर रही है, क्योंकि ना अपना देश छोड़ना तो यार सब कुछ सैड लगता है। कोई नहीं, वी विल कम सून, डोंट वरी। ठीक है, हाँ हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल कंट्री, माई सेकेंड होम। यह है कोरियन अश्वगंधा, इसके सारे जो बेनिफिट्स हैं सारे अश्वगंधा की तरह ही हैं। देखिए एयरपोर्ट में सारा ये हैंडमेड वगैरह सामान मिल रहा है यहाँ पे, ये सब हैंडमेड है। ये मिलने अगर आपको सस्ता चाहिए होगा आपको ना, ये सारे बाली में उबुद के एरिया में सारा वहाँ पे चीज़ें सस्ते मिल जाएंगी। देखिए इस एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे फ्री वाईफाई है, वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड का, तो बैठ के मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह इन्जॉय करी हैं, मस्त सही चल रहा है। हालांकि हमारी फ़्लाइट में स्क्रीन वगैरह भी है, बट मैंने अपनी पसंद की मूवी डाउनलोड पे लगा दी है, तो अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी। तो आज एयरपोर्ट पर ना छोटा सा स्कैम होते होते बच गया, हुआ क्या? तो जो बैग्स का वेट था मैंने उसको ऑलरेडी चेक कर लिया था, और मैंने जैसे ही मलिंडो एयरवेज की बेल्ट के ऊपर उसको रखा मैंने, तो हुआ क्या कि 3 kg एक्स्ट्रा दिखाने लगा पर बैग का वेट। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं, 3 kg एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं सर, आपको 3 kg के पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा वेट, मैंने बैग को उठाया, मैंने साइड वाली बेल्ट पे रखा, जैसे मैंने साइड वाली बेल्ट पे रखा और जो वेट था वो बिल्कुल करेक्ट था, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं था, वो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बताया आपकी बेल्ट में दिक्कत है, तो उन्होंने फिर सॉरी बोला, फिर हमें अलाउ किया। बस अब हमारी फ्लाइट आने वाली है, अभी हम थोड़ी देर के अंदर मलेशिया के लिए निकल पड़ेंगे, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स के अंदर। समय आ गया फ्लाइट में एंटर करने का, वो खड़ी सामने फ्लाइट बटिक एयरवेज।
बस हम एंटर कर रहे हैं। सीट्स वगैरह पर बैठ चुके हैं, अब चलने का इंतजार करते हैं। और हमारी जो फ्लाइट है जकार्ता से कुआलालंपुर की है अराउंड 2 hours 10 minutes, तो मिलते हैं आपको सीधा मलेशिया कुआलालंपुर में। सेम कुआलालंपुर इन मलेशिया। एयरबस की सीट्स कुछ इस तरह की होती हैं। इस फ्लाइट के अंदर टीवी की, चार्जिंग की और हेडफोन की सुविधा भी है, लेकिन उनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा। पहुंच गए। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मलेशिया के अंदर। तकरीबन 2 hours 10 minutes का सफर था और जो सफ़र था ठीक था, थोड़ी टर्बुलेंस वगैरह रहती है। और बाकी बताऊं और खाने को उसमें कुछ नहीं था क्योंकि मैंने बजट फ्लाइट बुक करी थी, इसलिए उन्होंने खाने वगैरह को कुछ नहीं दिया था। और अब ठीक है, अभी हमें यहाँ पे मलेशिया के अंदर वेट करना है अराउंड 2 hours, 2.5 hours या 2 hours के आसपास हमें वेट करना है। उसके बाद हमारी शाम की फ़्लाइट है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने को। अभी तो बहुत ही भूख लगी है, पहले चलते हैं कुछ खाने के लिए। डू यू वांट टू ईट समथिंग? यस, वांट टू ड्रिंक समथिंग। हाँ चलो पहले तलाश करते हैं खाने की और यूटिलाइज करते हैं टाइम और एक्सप्लोर करते हैं मलेशियन एयरपोर्ट। चीज़ ब्रेड खा रहे हैं फ्रॉम इंडोनेशिया एंड माय चॉकलेट और क्रीम मिसेस। हाँ जी, तो खाना पीना हो गया, अब निकले हम एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेन वगैरह की सुविधा भी है जिसकी कोई चार्ज वगैरह नहीं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गेट से दूसरे गेट की तरफ जाना जो कि बहुत दूर है, तो आप यहाँ पे ये फ्री ट्रेन की सेवा भी ले सकते हैं जिसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप सीधा आइए यहाँ पे खड़े हुई है और ट्रेन लेके दूसरे गेट की तरफ चले जाइए। हर ट्रेन के ऊपर ना यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कि किस गेट से किस गेट तक जाती है, क्योंकि ना ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। मलेशियन एयरपोर्ट हमने भी काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम फ्लाइट लेके सीधा जा रहे हैं न्यू दिल्ली। 5 hours 25 minutes का सफ़र है हमारा, तो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। तो पिछली वाली फ़्लाइट की टीवी वगैरह काम नहीं कर रहे थे, तो कोई मूवी वगैरह नहीं चल रही थी। तो इस वाली फ़्लाइट के अंदर आई होप टीवी भी काम करे और मैंने कुछ मूवीज़ भी डाउनलोड कर ली। इसे ना काम किया तो यहाँ फ़ोन में देख लूँगा मैं। चल रहे हैं अपनी मंजिल की और एंट्री होगी हमारी फ्लाइट के अंदर, बस जा रहे हैं। Let's go. चलो। फ्लाइट में बैठ चुके हैं, इस फ्लाइट में भी सब सेम है, कुछ ऐसा भी डिफरेंस नहीं है। कुछ भी डिफरेंट होता है तो मैं आपको बता दूँ, सेम पिछली फ्लाइट की तरह ही है, सारी वही सुविधाएं हैं सब है। टीवी अभी तक ऑन नहीं हुए हैं, देखते हैं कि ऑन होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि ये लंबी फ्लाइट है इसमें तो होने चाहिए। Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us, the city don't want it. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. Those flight could be same, brother. I will sleep. You sleep, I watch movie. Yes.
It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. तो इस वक्त हम इंडिया लैंड हो चुके हैं और इस फ्लाइट के बारे में आपको बताना चाहूँगा. इस फ्लाइट में ना तो कोई फ्री का पानी मिलता है, उसके लिए भी आपको पैसे पे करने हैं, टीवी नहीं चलता. और मतलब मुझे तो बिल्कुल थर्ड क्लास फ्लाइट लगी, नेक्स्ट टाइम मैं कभी इसको बुक नहीं करना चाहूँगा. इसमें और सिंगापुर एयरलाइन में सिर्फ 2,000 रुपये का फ़र्क था और उसमें इतनी सारी सुविधाएं हैं, कोई हद नहीं है. आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं जब हम इंडोनेशिया गए थे, उसके अंदर गए थे, वो बेस्ट फ्लाइट थी. ये बिल्कुल थर्ड क्लास फ्लाइट थी सिर्फ 2,000 रुपये के डिफरेंस में. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तो हम इसको बुक नहीं करेंगे. बाकी अब चलते हैं इमिग्रेशन करवाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है. Done. Trip done. All bags done.